अब आयरन कार्बन सिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया कि हमको बेसिकली तीन रिएक्शंस होती हैं, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन एंड यूटेक्टोइड रिएक्शन। तो आयरन कार्बन सिस्टम इन एन आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर्म्स अ बेसिस फॉर डिफरेंशिएटिंग अमॉन्ग। मतलब हमको इस आयरन कार्बन सिस्टम में हमको डिफरेंशिएट करने को मिलता है। कैसे डिफरेंशिएट करने को मिलता है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखोगे नीचे, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन टेम्परेचर वाली हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोजिशन वाली हो गई। इसको हमने क्या किया है, इस तरह से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है 2% कार्बन, इसको 20 से डिवाइड किया, इसको 20 से डिवाइड किया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टली इस तरह से नीचे मूव, वर्टिकली इस तरह से नीचे मूव करती है, यहाँ पे कट करती है, ये है 0.008%। फिर उसके बाद आता है आपका 2%। तो ये जो है यहां से लेकर के जो 0.0 से लेकर के आपका 0.008% तक कार्बन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फेराइट या फिर आयरन। इसको कहते हैं फेराइट या फिर आयरन, ठीक है। 0.008% कार्बन जहां तक होगा उसको हम कहेंगे आयरन। यहाँ पे लिखा हुआ आयरन 0.008% और लेस, इसका मतलब इससे कम होंगे तो वो किसके अंदर आएंगे, आयरन के अंदर आएगा या फेराइट के अंदर आएगा। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। इसके आगे अगर हम मूव करते हैं तो इसको कहते हैं हम हाइपो हाइपर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से ये जो हो गया आपका ये स्टील चलता है, यहां से यहां तक स्टील हो गया ये, और यहां से यहां जो रहता है इसके आगे आप जब मूव करते हैं तो ये कहलाता है कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपो और हाइपर। अब जो है आपका उसके हिसाब से नाम बन जाएगा, हाइपो स्टील है तो हाइपो। अच्छा, इसके ऊपर यहां पे आप ध्यान दीजिए, यहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, यहां पे रिएक्शन हो रही थी यू टेक टॉइड, और इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन हो रही थी, यहां पे यू टेक्टिक। अब इसी से सारे नाम जनरेट होने वाले, हाइपो, अब यहां पे यू टेक्टॉइड रिएक्शन हो रही तो क्या हो गया, हाइपो यू टेक्टॉइड स्टील, क्योंकि स्टील बन रहा है तो स्टील हो गया। यहां पे हाइपर हो गया, हाइपर यू टेक्टॉइड स्टील, ठीक है। तो इससे आपका नाम जनरेट करने का किस तरह से नाम रखे गए हैं ये आप देख लीजिए यहां। अब यहां पे ऊपर रिएक्शन इसके ऊपर होती है यूटेक्टिक रिएक्शन, तो कैसा हो जाएगा, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। अब यहां पे स्टील ही रहेगा, यहां पे जो नाम आ जाएगा वो जाएगा कास्ट आयरन, क्योंकि यहां पे कास्ट आयरन बन रहा है। यहां पे कैसा हो जाएगा इस वाले में, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो बेसिकली समझ में आया कि हमारे जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसको कितने पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो हिस्सा है इसमें हमको हम कहते हैं कि आयरन बनता है, कहा था 0.008% कार्बन है, उतना कार्बन या उससे कम कार्बन पे हम उसको आयरन कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील कहलाता है, जिसमें कि 0.008% से लेकर के 0.8%, हाँ यहाँ पे जो दूसरा लाइन है ये है 0.8%, ये 0.8% वाला कार्बन, यहां तक ये कहलाएगा आपका हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। नंबर थ्री हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील, जिसमें कि 0.8 से लेकर के 2% कार्बन तक मूव करेगा, जो कि ये वाला हिस्सा है, क्लियर। उसके बाद नंबर फोर हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, कास्ट आयरन बन रहा है तो वहां पे क्या नाम आएगा, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, जो 2% से लेकर 0.4-0.3%, ये वाला जो हिस्सा है ये है 4.3% कार्बन वाला, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर फाइव हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, जो 4.3% कार्बन के ऊपर तक, ऊपर जितना भी कार्बन हम ऐड करेंगे उनको कहेंगे हम कास्ट आयरन, तो वहां पे उसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो आयरन कार्बन सिस्टम में आपको चीज समझ में आएगा कि तीन तरह की रिएक्शन होती है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन होती है, यूटेक्टिक रिएक्शन होती है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन होती है। उसके बाद आयरन कार्बन सिस्टम में पांच हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया, अगर हम नीचे से देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, आयरन में, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील में, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील में, फिर उसके बाद हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो ये बेसिकली पांच हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, ऊपर से नीचे तक अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं। अब हम समझेंगे, हाँ यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हैज थ्री रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन एंड यूटेक्टॉइड रिएक्शन, जिसको हम पॉइंट जे, पॉइंट सी और पॉइंट एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आयरन कार्बन डायग्राम में। अब इसको पढ़ेंगे, नंबर वन यहाँ पे जो है पॉइंट जे को देखेंगे, पॉइंट जे, पॉइंट जो है आपका जो डायग्राम है उसके सबसे ऊपर वाली लाइन में, अगर सबसे ऊपर आप जाओगे अपर कॉर्नर पे, यहाँ पे जहां पे डेल्टा बनता है, डेल्टा बनता है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस तरह से बना हुआ है, तो ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन,
ये जो है 2720 डिग्री फेरनहाइट पे बन रही है, और इसी लाइन को कहा जाता है या इसी रिएक्शन को कहा जाता है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, जहां पे क्या हो रहा है डेल्टा जो आयरन है, ये जो डेल्टा आयरन है ये क्या होता है लिक्विड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है ऑस्टेनाइट बनाता है। इसके नीचे आपको याद होगा कि हमारा जो है यहां से नीचे जो ये ऑस्टेनाइट बनता है इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल्टा आयरन है ये क्या करता है लिक्विड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है एक अलग सॉलिड बनाता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे लिखा है ऑस्टेनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल द हॉरिजॉन्टल लाइन एट 2720 डिग्री फेरनहाइट शोज द पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन इसको बोलते हैं जहां पे क्या होता है आपका लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है। ये है आपका सॉलिड फेराइट, फेराइट डेल्टा, और यहाँ पे लिक्विड, इन दोनों का मिक्सचर होकर क्या बनता है लिक्विड और सॉलिड मिलकर क्या बनता है एक सॉलिड बनता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पेरिटेक्टिक रिएक्शन। द पेरिटेक्टिक रिएक्शन इक्वेशन में भी रिटन है, ये तो इक्वेशन है, ये पेरिटेक्टिक इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, नंबर टू यहाँ पे है, ये नंबर टू है जिसमें कि यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही है। अगर हम डायग्राम के राइट साइड में जाएंगे, उसी डायग्राम को अगर आप फिर से बनाते हैं, यहाँ नीचे बना देता हूं, ठीक है। पॉइंट जे यहाँ पे जनरेट हो रहा था, ठीक है, ये वाला जो था ये पॉइंट जे यहाँ पे जनरेट हो रहा था, ठीक है। अगर आप क्या करते हो इसके थोड़ा सा नीचे मूव करते हो यहाँ राइट साइड में, तो हमारी एक वर्टिकल लाइन बनती है इस तरह से। इस पॉइंट पे क्या होता है यूटेक्टिक रिएक्शन होती है ई, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी पॉइंट से, सी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट सी से इसको रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। द यूटेक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट 2066 डिग्री फेरनहाइट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका टेम्परेचर कितना है 2066 डिग्री फेरनहाइट पे ये बन रही है। यहाँ पे कितना था 2720 डिग्री फेरनहाइट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंशिएशन हो गया कि इस टेम्परेचर पे ये बनता है, इस टेम्परेचर पे ये बनता है, यूटेक्टिक रिएक्शन यहाँ होती है। तो यूटेक्टिक रिएक्शन में भी रिटर्न एज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है लिक्विड जो है वो कूल होता है, अगर हम कूलिंग करते हैं तब क्या होता है एक सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है। याद करिए मैंने आपको बताया था यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है लिक्विड जो है वो सॉलिड में ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऊपर वाला यहाँ का हिस्सा कौन सा लिक्विड है और नीचे किसके क्या बन रहा है ये सॉलिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है लेडेबराइट बनता है। अगर हम उस डायग्राम को रिकॉल करेंगे तो जो वर्टिकल वाली लाइन थी इस वर्टिकल लाइन में क्या बनता है यहाँ पे लेडेब्यूराइट। ये लेडेब्यूराइट जो है एक मिक्सचर है किसका ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का, ठीक है। यहाँ पे ऊपर पे यहाँ पे सीमेंटाइट बनता है, तो जब क्या करेगा ऑस्टेनाइट किसका मिक्सचर होगा लेडेब्यूराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर बनने वाला है यहाँ पे ऑस्टेनाइट, क्योंकि राइट साइड में यहाँ पे ऑस्टेनाइट होता है। तो ये ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर बनके बीच में वर्टिकल लाइन में क्या आने वाला है लेडेब्यूराइट बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर, ये कंप्लीट सॉलिड बनेगा, यूटेक्टिक मिक्सचर इसका नाम है। और इसको इसका नाम क्या दिया गया है क्योंकि यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही तो उसका नाम यूटेक्टिक मिक्सचर बोल दिया, और बनता क्या है लेडेब्यूराइट यहाँ पे बन करके आता है, ठीक है। तो यूटेक्टिक पॉइंट इज एट 4.3% कार्बन। इस लाइन को अगर हम नीचे कट करते हैं तो ये यहाँ पे हमको कट करती है कितने पॉइंट पे 4.3% कार्बन पे, 4.3% कार्बन पे ये कट करती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, कंपोजिशन वाली एक्सिस को। The eutectic mixture is not usually seen in the microstructure because the austenite is not stable at room temperature and must undergo another reaction during cooling. ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने austenite पढ़ा था micro constituent structures में हमने ये चीज देखी थी कि वहां पे austenite जो होता है room temperature पे stable नहीं होता है, वो क्या करता है अगर हम उसको ठंडा करते हैं तो वो किसी और element के साथ mix होकर के एक अलग माइक्रो कंस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है। ये चीज लिखी हुई है कि यहाँ पे जो रूम टेम्परेचर पे कभी भी आपका ऑस्टेनाइट स्टेबल नहीं होता है। अब आता है नंबर थ्री पॉइंट एस, ये जो पॉइंट एस है ये यहाँ पे बनेगा, ये सी बन जे बन गया, ये सी बन गया यहाँ पे, ये सी पॉइंट हो गया और यहाँ बनेगा एस पॉइंट, ये जो है एस पॉइंट यहाँ पे बनने वाला है। इस एस पॉइंट पे क्या होता है यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है, जहां पे क्या होता है एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। द यूटेक्टोइड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ टेम्परेचर ऑफ 1333 डिग्री फेरनहाइट। जो ये जो वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1333 डिग्री फेरनहाइट पे ये यूटेक्टोइड रिएक्शन हो रही है। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन
इक्वेशन में बी रिटर्न एज दिस लाइक दिस. तो ये जो सॉलिड है यहाँ पे, जो ऊपर सॉलिड बन रहा था, यहाँ पे जो सॉलिड था, ये सॉलिड ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, जब उसको फर्दर कूलिंग करेंगे तो किसमें ट्रांसफॉर्म होगा, परलाइट में. अगर इसी डायग्राम को हम नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है परलाइट. ठीक है, परलाइट बनेगा जो कि क्या है, एक फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर है. अब फेराइट कहाँ से आया, फेराइट ऊपर से आया, और सीमेंटाइट कहाँ से आया, राइट साइड से सीमेंटाइट आया. ये दोनों का मिक्सचर वर्टिकल लाइन पे बनेगा जिसको हम कहेंगे परलाइट. और परलाइट क्या है, यूटेक्टोइड मिक्सचर है. यहाँ पे कौन सा मिक्सचर था, यूटेक्टिक मिक्सचर था, क्योंकि यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही है. यहाँ पे कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, यूटेक्टोइड रिएक्शन, क्योंकि यूटेक्टोइड रिएक्शन हो रही है यहाँ पे. इसको हम क्या कहेंगे, यूटेक्टोइड मिक्सचर कहेंगे. ठीक है, द यूटेक्टोइड रिएक्शन इज एट 0.83% कार्बन. तो यहाँ पे अगर इसको हम वर्टिकली नीचे कट करते हैं तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये क्या करता है, यहाँ पे कट करता है इस जगह पे, यहाँ पे कितना है 0.83% कार्बन यहाँ पे मिलने का इस जगह पे. तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई कि एक डायग्राम में आयरन कार्बन सिस्टम में हमारी तीन तरह की रिएक्शंस होती हैं, यूटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन ऊपर. ठीक है, मैं आपको एक रफली थोड़ा सा समझा देता हूं. ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम इसको समझ सकते हैं ऐसा कि ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम हो गया. ठीक है, ये हमारा हो गया टेम्परेचर स्केल, ये हो गया कंपोजिशन स्केल. ठीक है, इसको हमने क्या किया था, कई हिस्सों में डिवाइड किया. तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फेराइट बन रहा था, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये जो फेराइट बनता है, और यहां से ये ऑस्टेनाइट को जिस तरह से बनता है, अगर हम इसको ऐसा करेंगे, मैं रफली डायग्राम आपको थोड़ा समझा दे रहा हूं कि यहां पे ये ऑस्टेनाइट बन रहा था, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये जो पॉइंट था यहां पे, ये कौन सा पॉइंट है, ये जे पॉइंट है जहां पे पेरिटेक्टिक रिएक्शन हो रही है. ठीक है, फिर उसके बाद आप यहां मूव करोगे, ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है. इस पॉइंट पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही है यहां पे. ठीक है, इसके बाद आप फर्दर नीचे मूव करोगे, जब फर्दर आप नीचे मूव करोगे तो यहां पे एक लाइन आएगी, इस लाइन पे, यहां पे ये एस पॉइंट कहलाएगा. इस एस पॉइंट पे कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी आपकी यूटेक्टोइड रिएक्शन यहां पे होगी. ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे तीन तरह के रिएक्शन हो रही है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, फिर उसके बाद यूटेक्टिक रिएक्शन, और यहाँ पे यूटेक्टोइड रिएक्शन. ठीक, ये तीन चीज क्लियर हो गई. इसका टेम्परेचर आपको था 2720 डिग्री फ़ारेनहाइट. यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये जो हो रही थी रिएक्शन, इसके टेम्परेचर था अपर लेफ्ट कॉर्नर जहां पे रिएक्शन होती है पेरिटेक्टिक रिएक्शन. ठीक है, फिर आप क्या थोड़ा नीचे मूव करते हो राइट साइड में, तो यहां पे होती है यूटेक्टिक रिएक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी पॉइंट से. और अगर आप नीचे यहां मूव करते हो एस पॉइंट से, तो यहां पे कौन सी होती है, यूटेक्टोइड रिएक्शन. इतनी चीजें क्लियर हुई, तीन रिएक्शंस आपकी हो रही है, जे पॉइंट पे एक हो रही है, एक सी पॉइंट पे और एक एस पॉइंट पे हो रही है. उसके अलावा आपने, हमने डायग्राम को पांच हिस्सों में डिवाइड किया गया है इस तरह से. ठीक है, तो यहां पे आपका होता है हाइपो, हाइपर. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हाइपो और यहाँ पे हाइपर. ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, कास्ट आयरन बनेगा, यहाँ पे भी कास्ट आयरन बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, स्टील बनेगा, और यहाँ पे भी स्टील बनेगा. इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इतने हिस्से में क्या बनता है, आयरन बनता है, जहाँ के कार्बन का परसेंट 0.008% होता है, यहाँ पे 0.8% होता है, यहाँ पे 2% कार्बन होता है. परसेंटेज ऑफ कार्बन बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, परसेंटेज ऑफ कार्बन. यहाँ पे 4.3% कार्बन बनता है, और यहाँ पे जिसके ऊपर जितना भी होगा ये कास्ट आयरन ही कहलाने वाला है. तो बेसिकली समझ में आ गया हमको कि क्या क्या चीजें होती है हमारे आयरन कार्बन सिस्टम में. इसके अलावा अब मुझे, मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं होना चाहिए. तो ये हो गई आपकी एक रिएक्शन,
पेरिटेक्टिक रिएक्शन, ये होगा यूटेक्टिक रिएक्शन, और ये होगा आपकी यूटेक्टॉइड रिएक्शन, जिसमें कि आपके तीन रिएक्शंस हुई। उन तीन रिएक्शंस के साथ साथ यहाँ पे पांच तरह के अलग अलग फेसेस बने या डिवीजन बने कंपोजिशन में। यहाँ पे हाइपो, हाइपर, हाइपो, हाइपर, हाइपोस्टील, हाइपरस्टील, हाइपोकास्ट आयरन, हाइपरकास्ट आयरन। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर इसके हो रहा है यूटेक्टॉइड रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे इसका नाम कैसा रहेगा, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यूटेक्टॉइड यूटेक्टिक रिएक्शन होती है, तो ये कहलाएगा हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्लियर, बेसिकली इतना चीज आपको दिमाग में रखना है, आप इसको याद रखोगे तो आपका सारी चीजें क्लियर आपको हो जाएंगी।